फ्रेंड्स, मैं हूँ वर्षा। किचन टीम वर्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपको अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलना फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड्स, हम सबके घर में गणपति बप्पा का आगमन होने वाला है, और गणपति बप्पा आए और हम उनके फेवरेट मोदक ना बनाए, ऐसा तो भाई कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मोदक तो गणपति बप्पा जी के बहुत ही फेवरेट है। तो फ्रेंड्स, इस गणेश चतुर्थी के मौके पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ दूध के मोदक, जो बहुत ही बनाना आसान है और खाने में तो इतने टेस्टी लगते हैं और गणपति बप्पा भी खुश हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले गैस पे आप एक कढ़ाई रखिए, उसमें हम डालेंगे 1 लीटर दूध। यहाँ पे मैंने फुल फैट मिल्क का यूज किया है, आप हो सके तो प्लीज यही दूध यूज कीजिए, क्योंकि हमें इसे गाढ़ा करना है। तो इससे क्या होगा ना, तो हमें जो मावा मिलेगा तो वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा। ये देखिए, अभी दूध को जो है उबाल आ गया है। अब मैं इसे ऐसे ही लो फ्लेम में पका लेने वाली हूँ। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे एक और 1 लीटर दूध लिया है, इसे हमें भी उबाल लेना है। ये देखिए, मैंने इसको गैस पे रख दिया है, अब हम इसे एक उबाल आने देंगे। ये देखिए, दूध को जो है उबाल आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे नीचे ले लेंगे। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून विनेगर, और उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/2 कप के करीब पानी। ये देखिए, दूध को जो है मैंने 2 मिनट ठंडा कर दिया है। अब हम इसमें विनेगर डालने वाले हैं। अब हमें यहाँ पे दूध को फाड़ना है। आपके पास अगर विनेगर नहीं है तो आप यहाँ पे नींबू का रस भी ले सकते हो, बस उसमें आपको पानी मिलाना है। धीरे धीरे देखेंगे दूध जो है फट जाएगा। दूध जब फट जाएगा तब हमें विनेगर नहीं डालना है, तब तक ही हम विनेगर डालेंगे जब तक कि दूध फट ना जाए। घुमाते रहेंगे धीरे धीरे। ये देखिए, दूध जो है फट चुका है और पानी भी अलग हो चुका है। अब हम इसे छान लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छलनी ली है, उस पर हम एक कपड़ा लगा देंगे और इस पर हम छान लेंगे, जिससे कि पानी और छेना अलग हो जाए। बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ फ्रेंड्स मैं आप लोगों को। ये देखिए, हमने छान लिया है, अब हम इसे धो लेंगे। आपको इसे 2-4 पानी से धोना है, क्योंकि हमने इसमें विनेगर डाला है तो इसमें बिल्कुल भी विनेगर का जो है फ्लेवर नहीं रहना चाहिए। अच्छे से 2-3 पानी से धो लेना है हमें इसे। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से धो लिया है, अब हम इसका पानी निचोड़ लेते हैं। बिल्कुल भी हमें इसमें पानी नहीं रखना है, सूखा करना है बिल्कुल। ये देखिए इसे, अभी देखिए मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है, कितना बढ़िया दिख रहा है। अब एक हमें स्पून की मदद से जो है इसे सॉफ्ट कर लेना है, जिससे कि इसमें कुछ घाटे वगैरह है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम चलते हैं हमारे दूध की तरफ। ये देखिए, दूध जो है क्वांटिटी में बहुत कम हो गया है। मैंने इसे हाई टू मीडियम फ्लेम में ही पकाया है। इसमें हम डालेंगे 1 कप चीनी। आप चीनी की मात्रा कम या ज्यादा भी कर सकते हो, जैसे आपको पसंद हो। आप अगर मीठा ज्यादा खाते हो तो ज्यादा डाल लेना। अब हम इसमें डालेंगे वो छेना। छेना डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे छेना की जगह पनीर का भी यूज कर सकते हो, लेकिन छेना से जो है स्वाद आ जाएगा मोदक में, वो अलग ही होगा। अब हम इसे यहाँ पे ज्यादा नहीं पकाना है, थोड़ी देर ही हम इसको पकाएंगे, उसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। देखिए, अब इसमें थोड़ा सा पानी नजर आ रहा होगा आपको, बस ये पानी थोड़ा सा ये हो जाए तब तक ही हम इसे पकाएंगे। ये ठंडा हो जाने के बाद गाढ़ा हो जाता है, तो यहाँ पे हम ज्यादा नहीं पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑरेंज फूड कलर, ये ऑप्शनल है।
ये कलर डालने के बाद मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और उसके बाद इसे ठंडा होने दूंगी और मैशर की मदद से हमें थोड़ा इसे मैश कर लेना है, तो क्योंकि ये थोड़ा सा दरदरा है। ये देखिए मैंने इसे मैशर की मदद से मैश कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक मोदक मोड़ लिया है, उसमें हम ऑयल से इसे ग्रीस कर देंगे ताकि मोदक जो है इसमें चिपके ना। ये मोदक मोल्ड आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप में आसानी से मिल जाएगा या तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पोर्शन डालना है, एक साथ ज़्यादा नहीं डाल देंगे, ऊपर से डालेंगे। यहाँ पे मैं इसमें कुछ स्टफिंग वगैरह नहीं भर रही हूँ क्योंकि इसका ही अलग ही एक स्वाद होता है, तो हम इसमें कुछ अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब धीरे से हम मोदक मोल्ड को खोलेंगे। ये देखिए वाव, कितना बढ़िया हमारा मोदक बनके रेडी हुआ है, देख सकते हो आप। फ्रेंड्स, आपको भी अगर गणपति बप्पा को खुश करना है तो मैंने बताए हुए टिप से अगर आप ऐसे मोदक बनाओगे, सच मानिए फ्रेंड्स, गणपति बप्पा भी खुश हो जाएंगे। तो प्लीज फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक शेयर और कमेंट्स करना मत भूलना फ्रेंड्स।